इतने बॉयकॉट और विरोध के बावजूद भी शाहरुख खान की फिल्म पठान ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फर्स्ट डे फिल्म ने ऐतिहासिक ओपनिंग की है और उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रही है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म को लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। फिल्म की कमाई की बात करें तो फर्स्ट डे पर इसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने हिंदी भाषा में 55 करोड़ और अन्य भाषाओं में 2 करोड़ की कमाई कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। दूसरे दिन का कलेक्शन भी अच्छा खासा रहा है। फिल्म ने दूसरे दिन 69.5 करोड़ का कारोबार कर लिया है। गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने का फिल्म को पूरा फायदा मिला है। अभी तक फिल्म ने 126.5 करोड़ कमा लिए हैं। 2 दिनों का रिकॉर्ड के हिसाब से पठान ने कमाई में KGF 2 और बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने 2 दिनों में 100.74 करोड़ कमाए थे, वहीं बाहुबली 2 ने 81.5 करोड़। 2 दिनों के अंदर पठान का सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 100 करोड़ रुपए का हो रहा है, वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 120 करोड़ रुपए और 2 दिन में फिल्म विदेशों में यानी ओवरसीज की मार्केट में लगभग 43 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वहीं 2 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 163 करोड़ हो चुका है। फिल्म 2 दिन में वर्ल्ड वाइड मार्केट में 150 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा कमाई कर चुकी है। बॉलीवुड के बादशाह की फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड यही नहीं रुकेगा। पठान की इस शानदार शुरुआत के बाद माना जा रहा है कि 5 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड में यह फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। फिल्म के जो रिव्यूज निकल कर सामने आए हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। ऑडियंस का कहना है कि पठान शाहरुख के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है और फिल्म का एक्शन टॉप लेवल का है। जबरदस्त पिक्चर है, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। लास्ट में बहुत अच्छा रोमांस दिखाया है। नहीं, काफ़ी अच्छी मूवी है। जैसे इसके लिए अफवाह फैलाई गई थी वैसे कोई खास बात नहीं है इसमें। मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार मूवी। फिल्म की कहानी दमदार है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने लोगों का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान में शाहरुख के अलावा जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी है। फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। फिल्म को साउथ में बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो 2 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से आग लगा दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार तक वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा फिल्म आसानी से पार कर जाएगी। लेकिन देखना यह है कि 300 करोड़ के आगे कितनी कमाई पठान फिल्म की होती है। और वैसे आपको क्या लगता है, फिल्म पठान का फाइनल कलेक्शन कितना रहेगा? ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बायो, सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। एनरोल नाउ। बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। द फॉलोअप डॉट इन, लाइक, share and subscribe www.thefollowup.in